हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। दोस्तों आज है हमारा ईद का फेस्टिवल, तो आज हम सुबह जल्दी उठ गए थे। सबसे पहले फजर पढ़ने गए, उसके बाद कब्रिस्तान गए। तो ज़्यादा सुबह से मैं आज के व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया, तो अभी मैं नहा धोकर एकदम तैयार हो गया हूँ और अभी मैं जाने वाला हूँ ईदगाह ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी मेरे सारे फ्रेंड्स रेडी हो गए हैं और लगभग 7 बज गया है, 7:15 हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, फिर पहुँचेंगे ईदगाह आपको दिखाएंगे और वहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे नमाज होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है। हो सकता है आप लोगों ने देखी हो, और अगर नहीं भी देखी है तो देख सकते हैं, या फिर आपने देखी भी है यहाँ की ईदगाह, तब भी आप मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम ईद के इस फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आज के इस दिन को हम सभी लोग मिलकर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। तो आगे क्या क्या होने वाला है आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलता रहेगा, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो चलिए हम चलते हैं ईदगाह, वहाँ जाकर फिर आपसे मिलते हैं। हाँ तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं ईदगाह, और ईदगाह की पार्किंग उठ रहे हैं। यहाँ पर बाइक हमने लगा दी है और ईदगाह का गेट इस साइड में है, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं अंदर। अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं। तो चलिए हम चलते हैं ईदगाह के अंदर, फिर वहाँ पर जाकर आपसे मिलते हैं। सो ये जो गेट देख रहे हैं, उर्दू में लिखा है ईदगाह फरुखाबाद, ये ईदगाह का मेन गेट है और इसके अंदर जाने की रास्ता ये है। बहुत कम है यहाँ पर, अभी आते में तो देखना, ये मतलब पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी यहाँ पर। चुके हैं ईदगाह के अंदर, और ये ईदगाह के जस्ट सामने ये बड़ा सा मकबरा बना है, और इस साइड में ये ईदगाह के जाने का गेट है ईदगाह के अंदर। हालांकि कई गेट हैं आगे भी आप लोग देख रहे हैं, और इस साइड में भी एक दो गेट हैं। हाँ तो गाइस, अभी हम आ गए हैं ईदगाह के अंदर, और यहाँ पर जगह अभी काफ़ी है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए थे। तो यहाँ पर जो टेंट लगा है, इसके अंदर हम लोग को जगह मिल गई है बैठने के लिए। तो अभी हम आपको एक बार यहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं कि कितने लोग आए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक होने वाली है। अभी ये जो एरिया खाली दिख रहा है, यहाँ पर तो पब्लिक होएगी, इस दीवार के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आएगी। अभी सही भी है, थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, बैठने की जगह ठीक ठाक मिल जाती है। तो अभी मेरे साथ जो दानिश और ज़फ़र आए थे वो बैठे हैं आगे। बाद में हमारे प्रशासन ने हमारा साथ दिया, और हम अपने की ईद की नमाज़ अब हो गई है, और अब यहाँ पर हम लोगों ने ईद भी मिल ली है, मतलब ईद की मुबारकबाद दे दी है एक दूसरे को। और जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है, तो अभी मेरे सारे फ्रेंड्स लोग खड़े हैं, तो चलिए अब इनसे कुछ बात करते हैं और फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत फोटो वोटो लेंगे। अर्शद भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई, क्या
मन बुरी हाल इन लोगों ने ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक दानिश, ईद मुबारक जफर, दोस्त, ईद मुबारक भाई लोग, ईद मुबारक, ईद मुबारक ब्लॉग, ब्लॉग, ईद मुबारक ब्लॉग। अभी ईद की नमाज़ पढ़कर और ईद की मुबारकबाद देकर एक दूसरे को ईद ईद मिलकर हम लोग आ गए हैं इस छोटे से किले में। तो अभी हम लोग यहाँ पर लेंगे थोड़ा फ़ोटो वोटो और फिर जाएंगे घर। ये है, इसका मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। हाँ तो भाई लोग, अब ईद की नमाज़ हम लोगों की हो गई है पूरी, और इस बार हम लोगों ने ईद की नमाज़ बहुत सुकून से पढ़ी, क्यों तो फर्स्ट क्योंकि थोड़ा पहले आ गए थे, जगह अच्छी मिल गई, एकदम छाए में बैठ के पढ़ ली। हाँ, और सारे काम हो गए, फ़ोटो वोटो ले लिए, ईद भी मिल ली, मुबारकबाद दे दिए सबको। तो अभी हम लोग लेट भी हो गए क्योंकि हम लोग वहाँ पर फ़ोटो वोटो ले रहे थे पार्किंग में। यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरी पार्किंग खाली हो चुकी है, बस थोड़ी बहुत बाइक वाइक खड़ी हैं। तो अब हम लोग आ गए पार्किंग में, यहाँ से बाइक उठाएंगे और सीधे चलेंगे घर पे। फिर घर पर जाने के बाद फिर से ब्लॉग करेंगे कंटिन्यू, फिर से वही खाने के इंतजाम। हाँ, फिर से वही। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग, तो अगर पसंद है तो लाइक कर देना वीडियो, अगर पसंद है तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो फेस्टिवल पर ये पूरा दिन यही खाते पीते, फिर उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ जाना है।
हाँ तो भाई लोग, ईद का दिन हो गया है ख़त्म और आज ईद का दूसरा दिन है। हालांकि हम लोग ईद के इस फेस्टिवल को 3 दिन मनाते हैं, लेकिन जो पहले दिन की बात होती है वो एकदम अलग ही होती है। और पहले दिन हम लोगों ने क्या क्या किया वो सब कुछ आपको दिखा दिया है। नमाज़ पढ़ने गए, उसके बाद सब जगह गए, मतलब सिमई वही खाने के लिए। तो मतलब उस ज़्यादा जगह का मैंने आपको नहीं दिखाया, मैं हालांकि बहुत सारी जगह पर गया था, हर जगह का मैंने वीडियो नहीं बनाया है। तो कल जो ईद का दिन था काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया हम सभी लोगों ने मिल के। तो हम सभी लोग मतलब ईद के इस फेस्टिवल को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और जैसा कि आपने लास्ट ईयर भी देखा था कि हम लोगों ने अपना पूरा एरिया सजा दिया है, और इस बार भी हम लोगों ने अपना पूरा एरिया सजा दिया है। मैंने इस बार आपको वीडियो में नहीं दिखाया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो या फिर तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।